दोस्तों काफ़ी टाइम बाद न्यू अपडेट आ चुका है आपके पोको M3 डिवाइस के अंदर। जी हाँ दोस्तों, पोको M3 के अंदर न्यू अपडेट मिल चुका है जिसका वर्जन है 12.5.6.0। अभी तक इसको एंड्रॉयड 13 का अपडेट नहीं मिला है, तो कब तक एंड्रॉयड 13 का अपडेट मिलेगा सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस अपडेट के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंजेस की गई हैं। तो दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा कुछ चीज़ें चेंज नहीं की गई हैं, ओनली इसके अंदर आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। ठीक है, और काफ़ी टाइम बाद पोको M3 के अंदर न्यू अपडेट आया है। ठीक है, काफ़ी टाइम बाद अपडेट आया है, आप वेट कर रहे थे MIUI 13 का अपडेट मिल जाएगा, पर दोस्तों अभी तक नहीं मिला है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जब पोको M2 का अपडेट मिलेगा तभी आपको MIUI 13 का अपडेट आपके पोको M3 में भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी पोको M2 के अंदर आपको पता ही है कि बग्स के कारण अपडेट सस्पेंड कर दिया गया है। अब दोस्तों पोको M3 के अंदर आपको जल्दी ही अपडेट देखने को मिल जाएगा MIUI 13 का। ठीक है, आपको करीब करीब 1 से 2 मंथ लग सकते हैं। वैसे दोस्तों उम्मीद तो यही है कि आपको अगले मंथ में अपडेट देखने को मिल जाएगा आपके पोको M3 डिवाइस के अंदर MIUI 13 का। जी हाँ, क्योंकि इस महीने तो आपको पता ही है कि पोको M2 के अंदर थोड़े बहुत यूज़र्स को मिल चुका है, अब अगले मंथ में आपको पोको M3 के अंदर भी अपडेट देखने को मिल जाएगा। पोको M3 के अंदर दोस्तों पहले ही अपडेट मिल जाना चाहिए था, पर अभी तक नहीं मिला है, पता नहीं क्यों, पर आपको अगले मंथ में पोको M3 के अंदर अपडेट मिल सकता है। जी हाँ, आप वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो आपको एंड्रॉयड 12 का भी अपडेट मिलेगा और आपको MIUI 13 का भी सपोर्ट आपको पोको M3 डिवाइस के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये अपडेट न्यू वाला अभी देखने को नहीं मिला है तो आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा 5 से 6 दिन के अंदर। वैसे तो दोस्तों सारे यूजर्स को अपडेट मिल चुका है पोको M3 के अंदर 12.5.6.0 का। अगर आपको मिल चुका है अपडेट जो है नहीं मिला है, ये अपडेट चला गया है, आया था फिर अपडेट गायब हो चुका है, तो आपको 1 वीक के अंदर ही अपडेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा।